नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग 26 नवंबर, आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक माह में 30 तिथियां होती है। ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से पांच अंगों से मिलकर बना होता है। ये पांच अंग तिथि नक्षत्र वार योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त राहु काल सूर्योदय सूर्यास्त का समय तिथि करण नक्षत्र सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति हिंदू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। तो आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिथि। तिथि है तृतीय जो कि 7:28 तक शाम को। नक्षत्र है मूल नक्षत्र 14:58 तक यानी 2:58 तक। तैतिल्य करण है 9:01 तक। घर करण है 19:28 यानी 7:28 पर। पक्ष शुक्ल वार है शनिवार। योग है शूल जो कि 25:13 तक। सूर्योदय का समय है 6:48 और सूर्य अस्त है शाम को 5:39। चंद्रमा है धनु राशि में। राहु काल के समय की गणना की बात करें तो सुबह 9:31 से 10:52 पर। विक्रम संवत है 2079 और शक संवत है 1944। मास की बात करें तो मास है मार्गशीर्ष। शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:52 से 12:35 है। साथ ही साथ हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं। साथ ही साथ आकाशमंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं जिसमें 27 नक्षत्र 9 ग्रह को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र भरणी नक्षत्र कृतिका रोहिणी वृक्षिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वषाढ़ा उत्तरषाढ़ा श्रावण नक्षत्र धनिष्ठा शतभिषा और पूर्व भाद्रा उत्तर भाद्रा और रेवती नक्षत्र। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। 7 वार ग्रहों के नाम से ही रखे जाते हैं जिसमें सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि हो। साथ ही साथ योग की बात करें तो नक्षत्र की भांति योग भी 27 होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विश्वकुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगण सुकर्मा धृति शूल गंड दद्दी ध्रुव व्याघात हर्षयान ब्रज सिद्धि व्याधिपात वरियान परिग शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल और ब्रह्म इंद्र और वैद्यति ये सारे योग हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और साथ ही साथ अगर हम करण की बात करें तो दो करण हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है भव कालव बालव कौलव तेतिल्य गर्वणी वृष्टि शकुनी चतुष्पाद नाग और किस्तु। मिष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो ये थी खास जानकारी आज के पंचांग की। ये सुंदर प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।